11 और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 MG Aster। ये इसका स्प्रिंट वेरिएंट है, बेस मॉडल है। और अगर आप एक 5 सीटर पेट्रोल SUV सर्च कर रहे हो, जो कि आपको मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट करे, ऑन रोड प्राइस ही बता देता हूँ मैं, 12 लाख से नीचे नीचे कहीं आपको पड़ जाए, और फीचर इतने मिल जाए कि मज़ा ही आ जाए देखें, मतलब फीचर्स के साथ आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप डेफिनेटली ये वाला वेरिएंट जो है और ये वाला प्रोडक्ट आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। स्प्रिंट वेरियंट है Aster के अंदर, ये इसका बेस मॉडल है। और बेस मॉडल के हिसाब से भी आप देखोगे तो एक यहाँ पे व्हील कैप्स ही आपको अलग देखेंगे, बाकी कहीं से कहीं तक भी ये गाड़ी मतलब ऐसा बेस मॉडल जैसी वाइब तो डेफिनेटली नहीं देती है। इसका एक शोरूम प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, स्प्रिंट वेरिएंट का 9.98 लाख रुपीज़ एक शोरूम आपको एक कॉस्ट करती है दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करेगी, बट फिर भी एक रफ आइडिया आपको दूं तो 11-11.5 लाख तक ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। अब क्या डील क्या ऑफर आपको इस पर मिल जाता है, कुछ चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं और आपके एरिया में मतलब आप देख कहाँ से रहे हो, मेनली चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। प्राइस आपको बता दिया, वेरिएंट आपको बता दिया, अब फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि फीचर्स के मामले में गाड़ी ज़बरदस्त है, वो आपको एक एक करके शेयर करता हूँ। पहली चीज़, गाड़ी की चाबियाँ आप देख लो कुछ इस तरीके की आती हैं, ओवरऑल अगर देखी जाए चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। बाकी यहाँ पे डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है, इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट आप अपने एक्सेस कर सकते हो, फिजिकल की आती है। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छी लगती है, इन हैंड फील जो है चाबी की अच्छी लगेगी आपको। पीछे MG का लोगो है, तो ये कुछ इस तरीके का की फॉब है, और सेकेंडली की फॉब भी आपको सेम मिलता है सेम कंट्रोल्स के साथ, तो इसको रख लेते हैं पॉकेट में अभी। और हम प्रोडक्ट पे आए तो ये आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ शो कर दिया, इसकी डायमेंशंस देख लेना, क्या लेंथ विड्थ हाइट है गाड़ी की, क्योंकि नंबर्स में शायद आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि वीडियो में तो चीज़ें मतलब नहीं समझ में आती हैं। एक्चुअल में आप देखोगे तो काफ़ी बल्कि सी, काफ़ी हैवी सी लगती है, बट वीडियोज़ में काफ़ी छोटी लगती है। ये नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो वीडियोज़ में जस्टिस नहीं होती हैं चीज़ें, मेनली साइज़ वगैरह जो भी है। बाकी फ्रंट से हम बातचीत करें यहाँ पे तो काफ़ी मस्कुलर सा डिज़ाइन है ओवरऑल गाड़ी का, बाकी इसके ऊपर भी लाइंस वगैरह जो हैं काफ़ी शार्प आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। फ्रंट में आप देखोगे तो प्रोजेक्टर यूनिट आपको मिलती है जो कि वाइट लाइट ऑफर करेगी। ये इसकी DRLs हैं, इंडिकेटर्स हैं, मतलब जो टॉप मॉडल वाला सेटअप है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। ये यूनिट जो है खाली आती है, बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि ये पार्ट जो है ग्लॉसी ब्लैक है, मैट ब्लैक नहीं दिया है, ये चीज़ अच्छी लगती है। शानदार सी ग्रिल है, मतलब कोई कह नहीं सकता है, यहाँ से अगर इतना दिखा दूँ तो कोई कह ही नहीं सकता है कि ये गाड़ी बेस मॉडल है, इतनी लाजवाब लगती है ये। सामने MG का लोगो है, काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पे आपको ग्रिल देखने के लिए मिलती है, इसके ऊपर भी ये मतलब जो क्रोम का जितना भी ट्रीटमेंट है इसकी वजह से ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगती है। ये लिप्स वगैरह सेटम फिनिश में दिए गए हैं। नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी। लोअर ट्रिम की बात करें, यहाँ पे लोअर लिप जो है ये थोड़ा सिल्वर फॉर्म में है, ये जो पार्ट क्लैडिंग को टच करता है प्रॉपर ये मैट ब्लैक है, और गाड़ी के ऊपर जो क्लैडिंग का रेशियो है वो भी आप देखोगे तो एक अच्छे अमाउंट में दिया है यहाँ पे, मतलब ऐसा ज़्यादा भी नहीं लगता है और ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी के प्रोफाइल पे दिखे ही ना, तो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। टायर सेक्शन गाड़ी का ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है, टायर्स फिलहाल यहाँ पे सीएट के हैं, टायर सेक्शन जो है वो है 215/60/R16 16 इंच के, ये स्टील व्हील्स हैं, आप चाहो तो अलॉयज भी मतलब लगवा सकते हो, प्रोफाइल जो है काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, आप चाहो तो जो कंपनी फिटेड आते हैं वो भी आप एज एक्सेसरी ले सकते हो, बाकी जैसा आपका मन करे वो यहाँ पे आप लगवाओ, बाकी टायर सेक्शन यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है बेस मॉडल से, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की 205 mm की, बहुत ही मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आपको नंबर्स में भी ज़्यादा लगेगी, और एक्चुअल लाइफ में आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये चीज़ दिखती है। बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं, क्रोम का जो ट्रीटमेंट है एक नंबर चीज़ लगती है, मतलब देख के लगता है कि हाँ भी एक प्रोफाइल है गाड़ी की जो मतलब एक अलग तरीके की प्रोफाइल को बिलोंग करती है, बढ़िया प्रीमियम लगती है इन चीज़ें। ये फ्रेम लाइन क्रोम की मिलती है, प्लेन ग्लासेस हैं, पिलर्स मैट ब्लैक है, यहाँ पे कोई सनरूफ वगैरह जो है वो इस वेरिएंट में तो नहीं आती, बाकी ग्लॉसी ब्लैक शार्प एंटीना तक आपको यहाँ पे मिल जाता है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, टेल लैंप्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ये थोड़े अलग मिलते हैं। अपर वेरिएंट आप लोगे तो ये थोड़ा अलग डिज़ाइन के यहाँ पे मिलेंगे आपको, नीचे एक साइड रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं, अगेन ग्लॉसी ट्रिम्स की कोई कमी नहीं है, जो चीज़ें मतलब जिन चीज़ों की वजह से मेनली गाड़ी बेस मॉडल लगती है उन चीज़ों पे कंपनी ने अच्छे तरीके से काम किया है, और प्राइस भी एक अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे कंपनी ने रखा है इसका, तो चीज़ें जस्टिस करती हैं ओवरऑल जितनी भी चीज़ों को आप देखोगे।
रेयर में सारी चीज़ें कंप्लीट मिलती हैं। इवन यहाँ पे वाइपर तक आपको मिल जाता है, एस्टर यहाँ पे मेंशन है, ZS यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे कोई रिवर्स कैमरा वगैरह जो है वो नहीं आता है। बाकी यहाँ पे 3 पार्किंग सेंसर्स हैं। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और बूट की बातचीत करें तो इस MG के लोगों को आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो, ये एक सेकेंड में अनलॉक कर देता हूँ उसे, तो लो जी कुछ इस तरीके से खुल जाएगा बूट। लेआउट्स मिलते हैं पार्सल ट्रे के लिए, पहली चीज़। 60-40 का ऑप्शन है। बूट स्पेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4-7 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस आती है, जो कि नंबर्स में भी ज़्यादा है। और आप एक्चुअल लाइफ में देखोगे तो आप भी बोलोगे हाँ भाई, मतलब किसी भी तरीके से आप 5 बंदों का सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो बड़े ही स्मूथली। यहाँ पे बूट लैंप आपको मिल जाता है, और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा यहाँ पे, और ये सेम टायर है सीएट का ही, और सेम टायर सेक्शन है 215/60R16। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। टूल किट आपके सामने रखी हुई है, और ये कुछ इस तरीके से हैं चीज़ें। अभी इसको कर देते हैं बंद, और अभी आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी बाहर से प्रीमियम लगती है, इंटीरियर वाइज भी ये आपका दिल जीत लेगी। दरवाज़ों के अंदर वेट अच्छा खासा है, और ये फर्स्ट इम्प्रेशन आप बताओ क्या है इन ट्रिम्स को देख के, बाकी फील क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ को टच करके। प्रॉपर सॉफ्ट टच है, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने बेस मॉडल के अंदर ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे लेदर देती है। ये चीज़ सब सॉफ्ट टच है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे प्लास्टिक है। सेटिंग फिल्म है, डोर लिवर है, सिल्वर ट्रिम है, डोर्स के लॉक चारों पार, विंडोज़ के लॉक, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, 6-way मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे सीट आपको मिलती है, बट इसके ऊपर भी डुअल शेड्स हैं। और ये सपोर्ट वगैरह जो है ये अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे AC वेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे अगेन ये सबको सॉफ्ट टच दिया गया है। ORM's के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, लाइट लेवलिंग डायल है, यहाँ से खुलेगा बोनट, फ्यूल लिड, 3 पेडल्स हैं। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर वाइज ओवरऑल वाइब क्या है ये लो। बहुत सॉलिड सी थर्ड आती है, ये सीट मैं पीछे कर लेता हूँ पूरी एकदम, और अब ये चीज़ मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, बस ऑन हो जाए, क्योंकि मेनली फ्यूज़ वगैरह निकाल के रखते हैं शोरूम के अंदर ताकि गाड़ियाँ ऐसे स्टार्ट ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे पास्ट में हो चुके हैं कि भाई कस्टमर आते हैं गाड़ियाँ स्टार्ट करते हैं और नीचे कुदा देते हैं, तो उन चीज़ों के चक्कर में गाड़ियों के जो कनेक्शन है वो हटा के रखती हैं मेनली कंपनियाँ। तो यहाँ से दिखाता हूँ एक बार, ये चाबी एक बार मैंने घुमाई, स्टीयरिंग व्हील जो है ये अनलॉक हो गया, इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो चुका है, यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं हटा है, यहाँ तक तो नहीं हटा है, इसका पता नहीं अभी। तो ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है यहाँ पे क्लस्टर, और सेकंड टाइम जब इसको ऑन करते हैं तो ये लो, तो इसका जो फ्यूज है वो निकाला हुआ है, अदरवाइज ये ऑन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लोअर्स वगैरह ऑन हो चुके हैं। तो ये एनालॉग है बता देता हूँ मैं आपको, 220 की टॉप स्पीड दी गई यहाँ पे आपको दिख रहा है, 8000 तक की RPM है। बीच में एक MID है जहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेंगी। और इधर की साइड ये हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, थोड़ा अपोजिट आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं। स्टेयरिंग की बातचीत करें तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मिलता है, एक मल्टी फंक्शन लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील, और सामने से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है तो शायद आपको समझ रहे हैं, बट कोशिश करता हूँ समझाने की। फुल्ली लेदर रैप्ड है, और इन हैंड फील अमेजिंग है, मतलब कोई कह ही नहीं सकता। गाड़ी के अगर व्हील्स को ना देखे ना कोई, तो कोई कहीं से कहीं तक नहीं कह सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। मतलब अंदर बिठा दो, बाहर से दिखा दो, कहीं से कहीं तक भी दिखा दो, कोई नहीं बोल सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल है। यहाँ पे अपने मीडिया के कंट्रोल्स हैं, इधर की साइड बीच में MID वगैरह उसके कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड का फीचर है, यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, एयरबैग यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी यहाँ की। ऊपर से देखोगे तो हेडलाइनर जो है थोड़ा सा लाइटर शेड में ही है, और मतलब 50-50 का सा मैं रेशियो बोलूँगा, क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ पे ब्लैक हैं उतनी ही बेज में भी हैं। तो ओवरऑल जो है काफ़ी एयरी फील होती है गाड़ी अंदर से, बिल्कुल वैसा सफोकेशन जैसा आपको फील नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है, को पैसेंजर साइड बाई हुआ, और यहाँ पे एयरबैग की वैजिंग है, कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है। व्हाइट LED लाइट बेस मॉडल के अंदर आपको मिलती है, और फिट एंड फिनिश शानदार। पैसेंजर एयरबैग रिमाइंडर यहाँ पे है, मैनुअल डिमिंग IRVM है, इधर साइड भी टिकट होल्डर की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे भी कोई वैनिटी मिरर जो है नहीं है। डैशबोर्ड की बातचीत करें तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा एडवांस बनाने के चक्कर में, कुछ मतलब जल्दी जल्दी अपडेट के चक्कर में कुछ भी ऑप्शन आप ऐसे बना दिया हो। अभी तक ये ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बट जैसा भी है
बहुत ही सिंपल सोबर लगता है, थोड़ा मतलब एकदम एक फिनिश प्रोडक्ट होती है, जिस तरीके से हम चीज़ें कहते हैं कि हाँ भाई एकदम फाइन प्रोडक्ट लगती है, उस तरीके से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा और सा बना दिया हो, तो बहुत फाइन लगती है इसकी इंटीरियर थीम मुझे, बाहर की साइड से भी और अंदर की साइड से, बाहर से तो एक्सटीरियर है, अंदर की साइड से इंटीरियर थीम मुझे बहुत पर्सनली पसंद है इसकी। ऊपर तरफ से देखोगे तो सब सॉफ्ट प्लास्टिक है यहाँ पे, मतलब हार्ड प्लास्टिक वगैरह नहीं है। ये ट्रिम्स वगैरह आप देख सकते हो, एसी वेंट देख सकते हो, हजार लाइट की बटन है, 10.1 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ आएगी। ये कुछ और कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, डिफॉगर, एसी के कंट्रोल्स हैं, होम की बटन है, वॉइस जो अपनी है मतलब आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए बेसिकली बटन वगैरह यहाँ पे दिए गए। नीचे एक साइड एक 12 का चार्जिंग सॉकेट है, दो USB पोर्ट है, स्पेस वगैरह है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है आपको, और ये फ्रिज आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे लेदर वगैरह जो है वो दिया गया है। 5-speed का मैनुअल गियर लीवर कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, स्पेस वगैरह है, हैंड ब्रेक सिल्वर टिप के साथ, आर्मरेस्ट है, अच्छी खासी स्पेस भी है, बट ये स्लाइड नहीं होता है और ये लेदर रैप्ड है। और ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, आप देख सकते हो, मतलब पेपर वर्क से हटके थोड़ा बहुत सामान अगर आपको रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और अब ये सीट में मेरी हाइट के हिसाब से कर लेता हूँ एडजस्ट, और मैं अभी डायरेक्टली आपको पीछे चल के दिखा देता हूँ वन टेक में ही। तो ये अभी आप देख सकते हो सीट यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये मैंने इसको किया बंद, चाबी को रख लेते हैं पॉकेट में और अभी फटाफट से पीछे चलते हैं, पीछे क्या स्पेस मिलती है, किस तरीके से चीज़ें हैं, डोर पैनल के ऊपर भी ये ट्रिम्स क्या आगे आगे मिलती हैं वो चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ, तो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो ये आगे की बातचीत थी और अभी पीछे दिखा देता हूँ, ये देखो सेम है सारी चीज़ें, एग्जैक्ट सेम जैसा आगे मिलता है यहाँ पे, सब कुछ सॉफ्ट टच दिया गया है, पावर विंडो की कंट्रोल है, डोर लिवर, स्पीकर, बोतल होल्डर, कंप्लीट सारी चीज़ें, सीट्स अगेन यहाँ पे सेम फैब्रिक की है बट डुअल शेड में है। और यहाँ की बातचीत करते हैं तो जी एक सेकेंड इसको लगा लेते हैं, तो ये है चीज़ें, यहाँ पे लेग रूम में कोई कमी नहीं है, हेड रूम में भी कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा इशू आपको होगा थाई रूम के अंदर, क्योंकि ये सीट आपको ऐसे लगेंगी जैसे थोड़ा सा नीचे की साइड ऐसे हो रखी है, थोड़ी सी ऊपर हो जाती तो ये चीज़ और थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि कंफर्ट नहीं है यहाँ पे, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हो, पूरे पैर फैला के बैठ सकते हो जैसे कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तीन बंदे भी बड़े स्मूथली बैठ जाएंगे यहाँ पे, हम्प ज़रूर है बट ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। पॉकेट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों सीट्स पे, रियर एसी वेंट्स हैं, कोई चार्जिंग सॉकेट यहाँ नहीं है, 1, 2, 3, 4 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल्स हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कि अपने आप ऐसे फोल्ड वगैरह हो जाते हैं। पीछे से देख लो कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, बढ़िया एकदम, ये चीज़ें आप देख सकते हो, सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस चक्कर में क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा आपको, बाकी बीच में आप देखो तो 60-40 का ऑप्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ, आप देख सकते हो ये भी एक अलग ही चीज़ है। तो ओवरऑल बजट के हिसाब से आपको एक फीचर लोडेड बेस मॉडल या फिर आप कह लो एक 5-सीटर पेट्रोल SUV चाहिए, जो कि आपको 12 लाख के अंडर अंडर कहीं मिल जाए तो एक अच्छा पैकेज ये है, क्योंकि जितने फीचर इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारी कंपनियाँ इससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट करती हैं आपको इन्हीं सभी चीज़ों के लिए। और फेंडर पे इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ORMs पे है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अलॉयज वगैरह आप चेंज कराओ तो एक गाड़ी कहीं से कहीं तक बेस मॉडल नहीं लगती है, और पीछे वाइपर वगैरह ये चीज़ें भी आपको बेस मॉडल से स्टैंडर्ड दे रखी हैं। तो ऐसी ही चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। अभी इंजन कैसा है, इंजन मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि इंजन दिखता कैसा है और पावर फिगर उसकी क्या है, बाकी यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कॉमेंट्स में। अभी बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो पहली चीज़ यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आप देख सकते हो, और जिस तरीके से यहाँ पे दी गई है, जिस तरीके से इसको फिट किया गया, वो चीज़ यहाँ पे शानदार है, क्योंकि मेनली या तो कंपनियाँ देती नहीं हैं, दे देती हैं तो फिर वो इस तरीके से लगा रहता है कि बस कुछ टाइम बाद निकल के बाहर आ जाता है और वो और ज़्यादा भद्दा लगता है, बट यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको फिट किया गया है। इंजन की बातचीत करें तो यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देगा ऑलमोस्ट 108 BHP, 144 Nm का टॉर्क, 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है गाड़ी के साथ, जिससे 15 KMPL की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है, और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन इंजन आपको लगेगा ये आप देखोगे तो, कुछ ज़्यादा मतलब इधर उधर चीज़ें निकली नहीं हुई, एकदम नीट एंड क्लीन सा इंजन है ये आपके सामने। और अभी इसको एक सेकंड बंद कर लेते हैं और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2024 MG Aster स्प्रिंट मॉडल, मतलब कि बेस मॉडल इसका, और अभी आपने सारी चीज़ें इसके बारे में देखी कि क्या क्या है, किस तरीके से है, फिट एंड फिनिश हो या फिर कंफर्ट या क्वालिटी हो,
चीज़ें टॉप नॉच है, मतलब मस्त लगती हैं बेस मॉडल के हिसाब से आप देखोगे तो। चीज़ें ठीक है, बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं इतनी चीज़ें, बट यहाँ पे चीज़ें बढ़िया हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स में। और हाँ, एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ, जिन गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें ऐसी मतलब इस लेवल पे आ रही हैं उनका वेटिंग पीरियड इतना है कि कंपनी वाले मतलब प्रीमियम ले रहे हैं भाई गाड़ियों के ऊपर, लाख लाख दो दो लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ज़बरदस्ती एक्सेसरीज जो है वो चेप रहे हैं कि हाँ भाई लाख रुपये की एक्सेसरीज हमसे लेनी पड़ेंगी तब हम जाके गाड़ी देंगे। बट इस गाड़ी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो सिंपली इसको ले सकते हो अपना, कुछ ऐसा लाख रुपए का कोई प्रीमियम प्रीमियम देने का कोई चक्कर यहाँ पे है नहीं। तो अगर नहीं मिल रहा आपको कुछ तो आप ये भी ले सकते हो, साइज़ में अच्छी खासी बड़ी है, प्रीमियम लगती है, डेफिनेटली प्रीमियम लगती है, चीज़ें उनसे ज़्यादा यहाँ पे ऑफर हो जाती हैं आपको और मस्त लगती है। क्या ख्याल है इसके बारे में मुझे बताना कॉमेंट में। बाकी कोई ओन करता है तो उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, प्लीज़ ज़रूर शेयर करना कॉमेंट में, क्योंकि अगर कोई प्लान कर रहा हो तो आपकी उस कमेंट से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।